ऐसी खबर लेके आया हूँ, दिल खुश हो जाएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में फुल मार्क्स प्रायोरिटी रखी गई है। अब सर ये क्या कॉन्सेप्ट है फुल मार्क्स प्रायोरिटी? जैसे एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे तो एमसीक्यू क्वेश्चंस को आपको डायरेक्ट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है मैथ्स में या साइंस में, बस आपको उसका आंसर सीधे ए बी सी या डी में भी लिख दोगे तो भी आपको पूरे मार्क मिलेंगे। उधर अगर आपने मेरा पिछले से पिछला वीडियो देखा हो तो संयम भारद्वाज जी ने एक वीडियो निकाला है जिसमें उन्होंने स्टेप मार्किंग की बात की है। सपोज करो आप मैथ्स का या साइंस का कोई सॉल्यूशन कर रहे हो या इंग्लिश में कोई क्वेश्चन कर रहे हो, आपको केवल उसके 3 स्टेप आते थे या 2 लाइन आती थी, इस बात का भी आपको नंबर मिलेगा। आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो मैथ्स में या साइंस में लेकिन वो क्वेश्चन आपको आता नहीं है, लेकिन आपको उसका डायग्राम आता है, आपने उसका डायग्राम बना दिया, इस बात के भी आपको मार्क्स मिलेंगे। चिल्ड्रन पूरी बात बताऊंगी यार, उससे पहले वीडियो को एक लाइक कर दो। आपके एक लाइक से एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, मैं 3 तक काउंट करूंगा, 1, 2, 3। सो आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। इसके अलावा जैसा कि इस बार न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, सीबीएसई ने अपना नया ऐप लॉन्च कर दिया है जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। चिल्ड्रन इस ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है और पिन भी कर दिया है, तो अभी जाओ और अभी डाउनलोड कर लो इस ऐप को। याद रखना, पुराना ऐप डाउनलोड नहीं करना, ये नया वाला ऐप डाउनलोड करना है। सो जाइए और अभी के अभी डाउनलोड कर लीजिए।